मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिरामिक्स के बारे में बात करेंगे और जो सबसे कॉमन सिरामिक हमारे पास अवेलेबल है वह है सैंड, जो कि भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम सैंड के मेन कंस्टिट्यूएंट यानी कि सिलिका के टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि किस टेम्परेचर पर किस कूलिंग रेट पर सिलिका का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहे इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिरामिक्स बेसिकली अर्थ के अंदर से बर्न होकर बाहर निकलते हैं और इनका डेफिनेशन हम एक नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं, यानी हर वो चीज जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है और ना ही ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसे हम सिरामिक कहते हैं। सिरामिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सिरामिक बहुत ज्यादा ब्रिटल रहता है, सिरामिक्स की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई रहती है, यानी कि हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स सिरामिक मटेरियल सहन कर सकता है, और एक सिरामिक की केमिकल स्टेबिलिटी भी हाई रहती है, यानी कि करोजन नहीं होता किसी भी सिरामिक में, और हार्डनेस भी सिरामिक की मेटल नॉन मेटल या ऑर्गेनिक पॉलीमर से ज्यादा रहती है। मोस्ट कॉमन जो सिरामिक्स हैं वह है सिलिका और एलुमिना। सिलिका को अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखेंगे आप तो वह एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें जो ऑक्सीजन एटम है हर एक कोने में वहां से एक टेट्राहेड्रन बनता है, और इन टेट्राहेड्रन्स को अगर आप ऑर्डरली मैनर में जमाएंगे तो उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। बीच में जो सैंड रहती है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट सिलिका ही प्रेजेंट रहता है। सिलिका हमारे पास अबेंडेंस में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है। मेरे बगल में आप सिलिका का टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम देख सकते हैं। अब इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास सिलिका रेड हॉट फॉर्म में प्रेजेंट है और उसे आप बहुत धीरे धीरे कोल्ड करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में लाइन 1 शो कर रही है, तो आपको सिलिका क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा प्रोसेस के एंड में। क्वार्ट्ज का मेन एप्लीकेशन वॉचेस में, घड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लिक्विड सिलिका को बहुत तेजी से कूल करते हैं, बहुत फास्टली कूल करते हैं, जो कि लाइन 2 आपको शो कर रही है, उस केस में आपका पूरा सिलिका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लास में और उसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और ग्लास को ही हम एमॉर्फस सिलिका भी बोलते हैं। यह एक अनस्टेबल स्टेट होती है, इसके बाद यह कन्वर्ट होता है क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि जब आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो एंडिंग में आपको ऐसे ग्लास मिलेगी जिसमें क्रिस्टल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अनस्टेबल हो जाएगा और क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम डाइविट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास भी कहते हैं। सिलिका या किसी सिरामिक को नहीं, अगर आप किसी मेटल को भी बहुत तेजी से कूल करेंगे तो प्रोसेस के एंड में वह मेटल आपको पूरी तरह से मेटालिक ग्लास में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और इस मेटालिक ग्लास का यूज बहुत हो रहा है ट्रांसफॉर्मर कोर्स में एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और क्योंकि सिरामिक बहुत बिटर रहता है इसलिए इसमें क्रैक्स बहुत जल्दी आते हैं, और क्रैक्स आने के बाद ये ब्रेक हो जाता है। जब आप लिक्विड सिलिका को क्वेंच करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, तो उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जाएंगे, और कुछ समय बाद ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां आप देख के नहीं पहचान पाएंगे कि वह लिक्विड है कि वह सॉलिड है। इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर पूरी तरह से कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कूलिंग रेट रहेगी उतना ही ज्यादा यह ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रहेगा, यानी कि अगर आप जितना धीरे कूल करेंगे उतना ही कम टेम्परेचर में आके यह सिलिका ट्रांसफॉर्म होगा, और आप जितने ही तेजी से कूल करेंगे उतने ही हाई टेम्परेचर में यह सिलिका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि जितना तेज कूलिंग रहेगी उतना जल्दी आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और इस सिलिका के एटम्स अगर एकदम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उस केस में हम इसे क्वार्ट्ज कहते हैं, और अगर ये सिलिका के एटम्स रैंडमली मैनर में है तो उस केस में हम इसे ग्लास कहते हैं। चाहे क्वार्ट्ज हो चाहे ग्लास हो, दोनों ही केस में सिलिका की बहुत लंबी चेन, एक कंटिन्यूस चेन आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण यह मटेरियल बहुत ही हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। प्योर सिलिकॉन ग्लास का यूज हाई टेम्परेचर वाले एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि फर्नेस विंडोज बनाने के लिए, और इस ग्लास का एप्लीकेशन ऐसी जगह में है जहां पे ग्लास को बहुत हीट सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सिरामिक्स के बारे में बात की, बेसिक सिरामिक क्या होता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज एक सिरामिक में होनी चाहिए, और जो सिरामिक का मेन कंस्टिट्यूएंट है सिलिका, उसके अलग अलग फॉर्म के बारे में जाना कि क्वार्ट्ज कैसा है, ग्लास क्या है, और इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इनका टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में भी मैंने बात की।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।